हाय फ्रेंड, मेरा नाम मिनाज, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो फिलहाल दोस्तों मैं एक और नए लोकेशन में मौजूद हूं और यहां मैं आज आपको दिखाने वाला हूं राजा बाबू मूवी सुन लोकेशन। वो मूवी दोस्तों 1994 में रिलीज हुई थी और रिलीज डेट के हिसाब से करीब मैं आज आपको 29 साल के बाद वो लोकेशन दिखाने वाला हूँ। वो मूवी में बात करें तो मुंह में नजर आए थे गोविंदा जी नज़र आए थे, करिश्मा कपूर जी नज़र आए थे और शक्ति कपूर जी नज़र आए थे और कादर खान जी नज़र आए थे और अरुणा रानी जी भी नज़र आए थे। और वो मूवी में ना जाने ऐसे बहुत सारे ऐसे एक्टर थे जो वो मूवी में मुख्य भूमिका में नज़र आए थे। तो वो मूवी का कुछ सीन मैं दिखाने वाला हूँ जहाँ पे वो तबेला दिखाया जाता है, जहाँ पे गोविंदा जी भैंस को धोते हुए नहलाते हुए दिखाई देते हैं, वो सीन मैं दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपको लगता होगा कि ये मूवी का जो सीन था दोस्तों किसी गाँव में शूटिंग किया गया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, वो शूटिंग लोकेशन वो मुंबई में लिया गया है और मैं आज वही जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर वो तबेला दिखाया जाता है। आपको मैं मुंबई में ही दिखाऊँगा गाँव का वो सीन जहाँ पे दिखाया जाता है तबेला, वो आपको मैच करके दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट पे। तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो में नहीं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट करें। तो आपको मैं आगे चल के वो सीन दिखाता हूँ जहाँ गोविंदा जो भैंस को नहलाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे वो तबेला दिखाया जाता है, वो सीन मैं आज आपको दिखाने वाला। आइए दोस्तों मैं आपको वो तबेला दिखाता हूँ जहाँ पे राजा मूवी में दिखाया जाता है। वो तबेला इस प्रकार है जो देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दूध वगैरह भी निकालते हैं और इधर से भी भैंस वगैरह बांधा हुआ है और यहाँ पे आपको हर जगह भैंस दिखेगा और आपको आपको लगेगा कि यहाँ पे गांव में आगे गांव जैसा खुशबू देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, और हर तरफ भैंस बांधा हुआ देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो भैंस वगैरह है और यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, चारा वगैरह खिला रहे हैं, दूध वगैरह भी निकालते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग काम पे लगे हुए हैं। तो आगे चल के वो सीन दिखाते हैं जहाँ पे गोविंदा जी नहलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सीन सारा सीन जो था, ये राजा बाबू का जो तबेला दिखाया जाता है वो इसी जगह पे सीन रिकॉर्ड किया गया था करीब 29 साल पहले, यहाँ पे वो सीन रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पे ना जाने कितनी मूवी और भी शूटिंग हो चुकी होगी और यहाँ पे कितनी मूवी बनी होगी, लेकिन वो धीरे धीरे अगर मुझे मालूम पड़ेगा तो वो लोकेशन मैं फिर से दिखाने का कोशिश करूँगा। फिलहाल मैं आज आपको राजा बाबू का मूवी शूट लोकेशन दिखाने वाला हूँ जहाँ पे वो गोविंदा जी भैंस को नहलाते हुए दिखाई देते हैं। देख सकते हैं इधर भी भैंस वगैरह बांधा हुआ है और यहाँ पर भी सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चारा वगैरह खिला रहे हैं, पानी वगैरह पिला रहे हैं। और आगे का जो सीन था वो आगे पे लिया गया। तो आइए दोस्तों मैं आपको वो सीन दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आया तो मुझे सच में लग रहा है कि मैं कोई गाँव में आ गया हूँ, लेकिन ये गाँव नहीं है बल्कि ये यही वो लोकेशन है जहाँ पे राजा बाबू मूवी का सीन रिकॉर्ड किए गए थे और यहाँ पे वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राजा बाबू गोविंदा जी भैंस को नहलाते हैं। तो बने रहें वीडियो में और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। यहाँ पे लिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पानी वगैरह भी पानी वगैरह है और यहाँ पे गोविंदा जी भैंस को नहलाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये वही लोकेशन है, आप मैच कर सकते हैं, ये वही सीन दिखाया जाता है राजा बाबू। और यहाँ पे करीब 29 साल पहले गोविंदा जी आए थे और यहाँ पे वो भैंस को नहलाते हुए दिखाई दे रहे थे, वही जगह है जहाँ पे गोविंदा जी भैंस को नहलाते हुए दिखाई दे रहे थे और ये इसी जगह पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो भैंस वगैरह को खिलाते हैं तो इसका जो चारा वगैरह है वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो चारा वगैरह, ये चीज़ आप यहाँ पे भैंस वगैरह को खिलाते हैं। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेड वगैरह सब इसमें मिक्सिंग है और ये चीज़ खिलाते हैं भैंस को और यही खाती है भैंस वगैरह। राजा बाबू जो मूवी में जो दिखाया जाता है दोस्तों तबेला, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पत्थर वगैरह आपको देखने को मिल रहा है, ये मूवी में जो दिखाया गया था वो आज भी वो पत्रा मौजूद है। करीब 29 साल पहले जो पत्र दिखाया गया तो आज भी वो पत्रा सेम मौजूद है, आप वो पत्रे से मैच कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं वही पत्रा मौजूद है और यहाँ पे वही तबेला जो दिखाया जाता है जो मैं आपको दिखाने के लिए करीब 29 साल बाद आया हूँ। ये वही लोकेशन है जहाँ पर राजा बाबू की मूवी का जो सीन रिकॉर्ड किए गए थे, ये सारा सीन इसी तबेला पर लिया गया था। तो मैं आज मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये लोकेशन भी आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट मूवी शूट लोकेशन में, तब तक के दोस्तों बाय बाय एंड जय हिंद एंड जय भारत।